हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। देखिए आज हमारे जायका होम किचन में क्या बनने जा रहा है। बहुत ही मज़ेदार, टेस्टी और क्रिस्पी पोहे के कटलेट बनाने जा रहे हैं आज हम। गाइस आज मैं सुबह पोहा बना रही थी, पोहा ज़्यादा ही बिक गया था इसलिए मैंने थोड़ा सा उठा के रख दी थी और मैं सोची चलो आपके साथ इसके पोहे के कटलेट शेयर करती हूँ। गाइस पोहे के कटलेट बनाने के लिए देखिए मैंने ये आलू ले ली, इसको मैंने उबाल ली थी और ये चॉप करी प्याज है, धनिया पत्ती है और हरी मिर्ची है। अब हम ये आलूओं को अच्छे से मैश कर लेंगे। अब आप देख सकते हो हमने सभी आलूओं को अच्छे से मैश कर लिया है। अब जो पोहा हमने बचा के रखा था इसे भी हमने अच्छे से मैश कर लिया था हाथों से। अब इसको हम आलू में मिक्स कर देंगे। अब इसमें हम कुछ मसाले डालेंगे। एक चम्मच इसमें हम चाट मसाला डालेंगे, काली मिर्च का पाउडर डालेंगे, भुने जीरे का हम इसमें पाउडर डालेंगे, आधा चम्मच इसमें हम नमक डालेंगे, एक चम्मच इसमें हम मिर्ची का पाउडर डालेंगे और ये अदरक लहसुन का पेस्ट है एक चम्मच उसको भी डाल देंगे इसमें, आधा चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे, एक नींबू का जूस डालेंगे। अब इसमें हम चॉप करी हुई प्याज डालेंगे, धनिया पत्ती डालेंगे चॉप करी हुई जिसे हमने सबको अच्छे से पहले से धो के रख दिया था, हरी मिर्ची डालेंगे बारीक कटी हुई, अब इसमें हम ब्रेड क्रम डालेंगे जिसको मैंने घर में ही बना के तैयार किया था, कॉर्न फ्लोर डालेंगे आधा कटोरी और हाथों से हमें इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। अब हमने सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लिया है। अभी हमने मैदा ले लिया, इसका एक हम घोल बना के तैयार करेंगे। अब हम कटलेट बना के तैयार करेंगे, इसका हम गोल शेप बनाएंगे। आप चाहे तो कोई भी आकार इसका दे सकते हो। अब इसको हम मैदे के घोल में डिप करके अब इसको हम ब्रेड क्रम में कोट करेंगे। ऐसी करके हम सभी कटलेट को कोट करके एक प्लेट में रख के फिर हम इसे 10 मिनट के लिए फ्रीज में रख देंगे। अब ये तेल गरम भी हो गया अच्छी तरह से और ये 10 मिनट हो गए, कटलेट को भी हमने फ्रीज से बाहर निकाल दिया है। अब इसको हम फ्राई कर लेंगे, जब तेल अच्छा से गर्म हो जाएंगे तब इसमें हम डालेंगे। उसके बाद गैस की आंच हम मीडियम कर देंगे, फिर मीडियम आंच पर इसे हम फ्राई करेंगे। पहले हम एक तरफ से इसे अच्छे से फ्राई होने देंगे, उसके बाद इसे हम अलट पलट करके फ्राई करेंगे। गाइस अगर हम इसे मीडियम आंच पर फ्राई करेंगे तो बहुत अच्छी तरह अंदर से भी फ्राई हो जाते हैं, पकते नहीं रहते अंदर से ये। अब इसको हम पलटा देते हैं दूसरी तरफ से भी, इसे हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे। इसे हम बहुत ही आराम आराम से पलटाएंगे और इसे हम गोल्डन कलर आने तक इसे हम फ्राई करेंगे। आप देख सकते हो गाइस ये कटलेट कितने तरह से फ्राई हो चुके हैं, बहुत अच्छा इसमें गोल्डन कलर आ गया है। अब इसको हम निकाल लेंगे एक प्लेट में। अब हम सारे कटलेट को इसी तरह से फ्राई कर लेंगे। अब हमने कटलेट को एक प्लेट में निकाल लिया है, इसे आप हरी चटनी या केचप के साथ खा सकते हो। आपने देखा ना गाइस इसे बनाना कितना आसान है। अब हम तोड़ के दिखाते हैं आपको, देखो आपको अंदर से देख के ही पता चल रहा होगा ये कितना अच्छा बन के तैयार हुआ अंदर से। गाइस आज की अगर हमारी रेसिपी आपको पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। फिर मिलते हैं गाइस एक और नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।